वरना घर जाना चाहती है। मेरा मुंह मारते हो तो मैं नहीं रहूंगी, मुझे घर भेज दो। पूरा देश भाई बहन के अटूट प्रेम का त्योहार मना रहा है। दूर दूर से भाई राखी बंधवाने के लिए अपनी बहन के पास जा रहे हैं या बहने भाई के पास। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जो बेहद ही हैरान कर देने वाली है। यहाँ एक महिला ने अपने भाई को राखी बांधने के लिए अपने मायके जाने के लिए पति से कहा, लेकिन पति ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों में बहस होने लगी और गुस्साए पति ने पत्नी की नाक ही दांतों से चबा कर काट डाली। गंभीर हालत में महिला को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, यहां से उसे डॉक्टर ने लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। दरअसल यह मामला जिले के देहात कोतवाली के ग्राम बनियानी पुरवा का है। यहां की रहने वाली अनीता का मायका बेहटा गोकुल में है। सोमवार को रक्षाबंधन का पर्व था, रविवार को वह भाई को राखी बांधने के लिए मायके जाने की बात कह रही थी, लेकिन पति राहुल ने मायके जाने से इनकार कर दिया, जिस पर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया और विवाद बढ़ने पर हाथापाई शुरू हो गई और इसी बीच गुस्साए पति ने दांतों से पत्नी अनीता की नाक काट डाली। पत्नी को खून से लथपथ देखकर पति मौके से भाग निकला। वहीं चीख पुकार सुनकर उसके देवर ने 25 साल की अनीता को गंभीर हालत में हरदोई के मेडिकल कॉलेज में भर्ती और यहां प्राथमिक उपचार के बाद उसको लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं इस मामले में सीओ सिटी अंकित मिश्रा ने कहा कि अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।